धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसकी, इसमें वीडियो तो नहीं है, देखो सब खाली पड़ा यहाँ पे। कहाँ हो तुम भैया आजकल, खूब पैसे छाप रहे हो तुम आजकल। माला वाला लेनी शादी वादी के लिए तो यहाँ से ले सकता है भाई, देखो यहीं से लेंगे। कितनी मस्त टंगी है ये, देखो ये टंगी भाई, आप लोगों को भी हंसी आएगी सोच के। ऐसे बोल लेते हैं धीरे से, फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते रहते। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज सुबह सुबह इतने सारे काम दे दिए गए हमको, वन बाय वन सारे निपटाने। पहले हमको एसी का स्कूल जाना है, फिर बैंक जाना है कॉरपोरेशन, फिर बैंक ऑफ इंडिया जाना है, तो ये सब थोड़ा बाकी करनी है और सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो वन बाय वन सारे काम निपटा लेते हैं, चलिए गाइज शुरू करते हैं यहाँ से। तो वो सबसे पहले यहाँ का काम निपटा लेते हैं, चलते हैं फटाक से अंदर। तो एक काम तो पूरा हुआ, अब थोड़ी देर चलते हैं सामने, चलते हैं हमको इस वाले मोहल्ले में। तो ये देखो पहुंच गए फाइनली बैंक, चलते हैं अंदर काम करा के आते हैं, टाइम लगने वाला है यहाँ तो पक्का पक्का। तो यहाँ का भी काम डन हो गया, जल्दी जल्दी हो गया दोनों जगह पे काम। और एक दिक्कत ये हो गई, जो हम प्रिंटर उठा के लाए थे वो भैया, उसमें जो ब्लैक एंड वाइट कॉपी होती है वो सही हो ही नहीं रही है, मतलब सही हो ही नहीं पाया अभी तक वो, मतलब ऐसे उठा के लाया उसको। अब हमको दोबारा जाना पड़ेगा उस प्रिंटर को लेके उस दुकान पे, यार हाथ धो गए सेम यार, 5 दिन पड़ा रहा कोई काम ही नहीं हो पाया उसमें। तो गाइज घर आ गए हैं अभी, एंड अभी फिर से बैंक जाना है आप। तो गाइज जो भी सारे काम को करने थे ना सारे कर चुके हैं, एकदम फ्री हो चुके हैं, टाइम हो रहा है पूरा पूरा एक। और आपको किट्टू के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि वो नहा रही है, तो वो बहुत चिल्ला रही है, मतलब उसको ठंड वंड लगी रही है यार से बात है। तो ये सीन है उसके, इसलिए बहुत चिल्ला रही है आज वो। और आगे देखते हैं क्या करना है यार, बहुत दिमाग ख़राब है सही में, इतनी दौड़ा भागी करनी पड़ती है क्या बताएं। तो भाई अभी जा रहे हैं हम प्रिंटर उठाने के लिए, आज कुछ भी शूट वूट करने पाए यार, वीडियो वगैरह एडिट कर रहे थे उसको अपलोड कर दिया हमने, अब जा रहे हैं प्रिंटर बनवा लेते हैं उठा के, देखते हैं क्या दिक्कत है यार। फालतू में सर दर्द हुआ करता है यार, अभी अच्छा खासा बनवाया था उसके बाद कुछ चला ही नहीं, मतलब कलर आ रहा है ब्लैक एंड वाइट आ नहीं रहा, हाथ धो गए सही में। अकेले लेके जाएंगे, मोहित भी नहीं है बताओ। तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद हम अपना जो प्रिंटर है उसको लेके यहाँ शॉप पे पहुँच गए थे। और रास्ते में भैया इतना भयंकर ट्रैफिक था, सोल्जर बोर्ड चौराहे पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, तो बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, अकेले प्रिंटर भी संभालना था बाइक भी संभालनी थी। फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ प्रिंटर डाल दिया था, ये सामने मेरा प्रिंटर रखा ये वाला। तो इसमें ना काफ़ी बड़ी दिक्कतें आ गई, मैं आपको क्या ही आप एक्सप्लेन करूँ, इसमें मोटा खर्चा आ गया भाई, ये सही नहीं हो पाया। उसने काफ़ी टाइम तक उसमें प्रयास करता रहा बट ये सही हो ही नहीं पाया। फाइनली अब बोला है कि इसको कल उठाना है, इसमें कुछ पार्ट पड़ेगा जो कि पार्ट इसमें थोड़ा ख़राब हो गया है, मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, जिससे ब्लैक इंक निकलती है एंड वही जब काम नहीं कर रहा है तो प्रिंट कहाँ से होगा फिर ब्लैक एंड वाइट वाला जो भी है। तो फिलहाल अब इसको कल उठाना है और उसमें लगभग 1000 रुपये का खर्चा आ चुका है यार। आज का पूरा दिन तो इसी काम में चला गया, अक्टूबर से भूख भी लगाई है, टाइम 4:30 हो ही चुका है फिलहाल। तो ये यहाँ पर कुछ लगाए हैं देखो यार, यही खाते हैं सोच रहे हैं यार, वैसे भी आगे कहाँ जाएंगे। और मतलब यार 8 जनवरी तक तो ये वारंटी में ही था प्रिंटर, उसके बाद ये ख़राब हुआ, मतलब उसके बाद हमने दिखाने लाया इसको, तब जाके वहाँ मालूम पड़ा कि ये तो वारंटी से बाहर हो गया, और इसको 10 दिन हुए वारंटी से बाहर हुए। एक खस्ता का जोड़ी खिला देना, धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसमें। चलो भाई हम तो वापस आ गए वहाँ से खा पी के। अरे यार ये देखो क्या क्या खुला है यहाँ पर लाखन वाली गली में। और ये है मसूर मिर्चा राम हमारे हरदोई के, इस समय भीड़ तो नहीं है, देखो सब खाली पड़ा यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे बनारसी बाबू हैं पान वाले, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। आगे फिर से शॉप के पास यार, बहुत सिर चाट रहा था इधर से, बताओ यार इतना मोटा खर्चा आ गया उसमें। जा रहे भाई आज काम तो हो नहीं पाया, अब कल होगा यार, दिक्कत बहुत हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार सही, जो सोचते हैं कभी होता ही नहीं साला। जब गए थे वहाँ अच्छी खासी धूप थी, अब देखो पूरी शाम हो चुकी है, एक तो ठंड भी बहुत लग रही है यार, ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन के आए, सूट भी नहीं पहन के आए, ऐसे चले आए थे, हमको क्या पता तुम्हें इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी यार सही में, बहुत क्या बताएं। हमारे काम कभी मतलब जो होते हैं ना कभी ठीक ठाक होते नहीं, रोड़ा बन जाता कुछ ना कुछ उसमें यार। तो भाई घर आ गए हैं फाइनली, एंड ये देखो आज बड़े दिनों के बाद। हेलो गाइस क्या हाल है, कहाँ हो तुम भैया आजकल, खूब पैसे छाप रहे हो तुम आजकल, हमें लग रहा है डीजे वीजे पे हैं, कहाँ चल रही है तुम्हारी, तुम स्कूटी से कहाँ जा रहे थे यार। स्कूटी से हम जा रहे थे घर आ रहे थे, बहुत जाम लगी थी ना उस दिन, बहुत ट्रैफिक था। तो आज कहाँ तुम्हारा डीजे लगा है, आज कहीं भी कल लगा, कल से स्टार्ट, कल से स्टार्ट है भैया सालक इनकी, समझे आप लोग, खूब पैसे छापेंगे डीजे मोहित। तभी भाई हमारे पास आए हैं, बोल रहे हैं कि लेदर का जैकेट हमारे पास, उसको पॉलिश कराना है, पता नहीं कहाँ पे होगा, हमने कहा केनिको के यहाँ पे होगा सिनेमा चौराहे पे, चलो देखते हैं भाई तुम्हारा जैकेट आ जाओ। तेल यार पता कर लो यार, वो वाला मिल जाए तेल, पता नहीं कहाँ मिलेगा।
चलो भाई मोहित की इच्छा पूरी कर देते हैं, वो आते हैं मार्केट। ये खंबे की लाइट पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, जली नहीं रहा आज। चलते हैं। ये देखो भाई, अभी हम लोग मार्केट में भटक रहे हैं इनके लेदर जैकेट के लिए, पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा। और भाई ये देखो, किसी को माला वाला लेनी शादी आदि के लिए तो यहाँ से ले सकता है भाई। देखो से लेंगे, कितनी मस्त टंगी है ये, देखो ये टंगी यहाँ पे, पगड़ी वगैरह सब मिल जाता है भाई हमारे रेलवे में। अरे ये कौन सी दुकान बोलते हैं, क्या नाम है इनका, इन दुकानों का क्या नाम होता है। बाकी सूप भी मिल जाते हैं, जूम हो जा। ये देखो एक बार भाई निवराहत मार्केट में देख लेते हैं, क्या पता है यहाँ मिल जाए। बहुत क्राउडेड एरिया है, इतनी पतली गली है, इसमें पता नहीं कितनी दुकानें होंगी, कम से कम 60-70 दुकानें तो होंगी इतनी पतली गली में। यहाँ पे टेलर की दुकान वगैरह है, यहाँ पहुँच लो भाई। आप लोगों को भी हंसी आएगी सोच के, ये मशीन में डालने वाला तेल है, ये मोहित ने ले लिया है जैकेट में लगाने के लिए, रूबी लेदर जैकेट में लगाने के लिए। है ना कितनी फनी बात, मोहित ने कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, उसमें मशीन का तेल लगा रहा था जैकेट में, तो मोहित ने कहा चलो यही ले लेते हैं मशीन का तेल, लगा कर देखते हैं जैकेट में चमका कि नहीं चमकेगा। भाई कहाँ खड़ी, उधर खड़ी हो सामने, इधर आओ। लो भैया तुम्हारे एक्सपेरिमेंट, तुम्हें मुबारक हो भैया, जो लेना था ले लिया। पॉलिश के लिए बात की थी तो बोल रहे थे जो जूते पे पॉलिश लगती है ना वही जैकेट पे लग जाएगी, तो मोहन ने फिर तेल ले लिया है वाला। चलो तो भाई अभी घर आ गए हम लोग, और इन्होंने जो ऑयल लिया था मशीन में डालने वाला वो अपने जैकेट पे लगा लिया है। और भाई ये चमक भी रहा है, सबसे सोचने वाली बात तो ये चमक रहा है। और पीछे देखो नहीं लगा है, मैं आपको पीछे कैसे दिखाता हूँ, कितना ख़राब लग रहा है देखना, पीछे इतना ख़राब लग रहा है, हो सकता है कैमरे में उसे ना दिख रहा हो, लेकिन इधर जो ऑयल लगा है ना ये काफ़ी चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, काफ़ी डिफरेंस है, इसमें कैमरे में नहीं दिख रहा उस तरीके से। ठीक चलो भैया काम चलाओ, और क्या इस तरीके से काम चलाओ। हमने देख लिया था ना, इसीलिए इन्होंने YouTube पे पहले देख लिया था, जो मशीन में डालते हैं ऑयल जो सिलाई कपड़ा वाली होती है, तो ये वो ऑयल लेके इसमें लगाए हैं, तो ये मतलब जुगाड़ के तरीके से एकदम काम कर गया इनका, ये सही है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर वो करना हो तो। गाइस में से पहले से बोल लेते हैं धीरे से, फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते रगड़ते बिल्कुल दूर तक जाना है आपको, ऐसे रगड़ते रगड़ते, रगड़ते, रगड़ते। डीजे मोहित के अनोखे जुगाड़ देख लो भैया। ऐसे रगड़ रगड़ के जैसे कपड़े धुलते हैं ना हम लोग। तो अभी भाई 10 बज रहे हैं रात के, और अभी ना हम मैच देख रहे हैं इंडिया न्यूजीलैंड की, इतनी खतरनाक मैच थी भाई, जिसने भी देखी होगी ना उसका दिल थम गया होगा सही में यार, इतनी भयंकर मैच थी आज की, मज़ा आ गई। चलो फिलहाल अगर नहीं देखी तो उसका हाईलाइट देख लेना आप लोग जिसने भी ना देखी हो तो, और अब टाइम आ गया इस वाले ब्लॉग में पेंट करने का, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये कहाँ से लिया मोहित? अरे तो ऐसे खुले हम क्यों पीते हो यार, अकेले में जाके पिया करो। हैं किट्टू, किट्टू किट्टू ने पीनी है? अरे छी छी कर दी लो। क्या होता है मोहित यार, सर हम बियर पी लेते हैं गाइस, देखिए आप लोग।